वेलकम टू टेक्निकल ब्राह्मण जी, और मैं उनका भाई आशीष शर्मा। क्या हाल है मेरे भाई लोग? सब लोग बढ़िया हो? लव यू ऑल। आप लोगों के प्यार के कारण हम डेली कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाऊं, जितना हो सकता उतना बनाने की कोशिश करता हूं, फिर भी थोड़ा लेट हो जाता हूं, तो उसके लिए क्षमा। सबसे पहली बात, आज हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन। थंबनेल देख लिया होगा, तो इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ मिलता है, टेक्नोलॉजी, कंपैरिजन, रोस्टिंग, देश से जुड़ी बातें, धर्म से जुड़ी बातें। तो जरूर इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चलिए फिर आज शुरू करते हैं डायरेक्टली। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। हाँ जी, सबसे पहली बात, आज जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, एक तरफ है लावा ब्लेज नेक्स्ट, हमारा देसी, और दूसरी साइड है हमारा सैमसंग F04। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सैमसंग आफ्टर चाइना, यदि मैं मतलब चाइना से ऊपर किसी को रखता हूँ इंडियन देसी मोबाइल के बाद, तो मैं सैमसंग को रखता हूँ। सैमसंग को हम ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाइनीज़ तो नहीं है, दैट्स अ मेन रीज़न है। एक ये है मतलब देसी के बाद, तो फिर भी हम कंपैरिजन करना बनता है, दोनों सेम प्राइस सेगमेंट में। तो चार चीज़ों में हमारी कंपैरिजन होगी, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले लावा की और सैमसंग की दोनों की बराबर है, 6.5 HD+ रेजोल्यूशन के साथ। फुल HD आप मत एक्सपेक्ट करो, तो नहीं दिया गया है। डिस्प्ले दोनों की एक है, नॉच है, पंच होल नहीं है दोनों में, तो सेम है, तो कहीं ना कहीं दोनों की कंपैरिजन में बेटर है। ठीक है, बट एक चीज़ जो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सैमसंग की डिस्प्ले इज डैम बेटर। मतलब वो यदि उसके डाउन में भी आप देखोगे, बजट सेगमेंट में भी देखोगे, तो उसकी डिस्प्ले में कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता, तो उसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है। तो ये हो गए बराबर ही रखते हैं क्योंकि 6.5 है, IPS डिस्प्ले मिल रहा है, तो आपको बराबर है। उसके बाद हम आते हैं कैमरा पे। कैमरा में ट्रिक है, सैमसंग के कैमरा 13+2 है, ठीक है, और फ्रंट 5 MP है। लावा का 13+2+VGA कैमरा दे रहा है और फ्रंट 8 MP है स्क्रीन फ्लैट्स के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे देसी ने बाजी मार ली है, कमाल हो गया। इसके बाद हम आते हैं बैटरी पे। दोनों की बैटरी 5000 mAh की है, तो उस पर कोई लेना देना नहीं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ रहा है, वो है इसका प्रोसेसर। दोनों का लावा में आपको मिलता है हीलियो G37 और सैमसंग में आपको मिलता है हीलियो P35। अब जो सबसे बड़ी बात है, मुझे नहीं पता सैमसंग इतना नीचे तो नहीं, 35 तो दे सकता था, ठीक है, हीलियो P35 दिया, G35 दे देता, बट ये P35 है, तो ये कहीं भी लावा के G37 से कंपैरिजन ही नहीं है। हर जगह ये हार जाता है, अंतुतु स्कोर देख लो, ठीक है, CPU देख लो, कुछ भी आप कंपेयर करके देख लो, तो हर एक चीज़ में उससे हारता है। तो जो यहाँ पे F4 Fast लिखा है सैमसंग ने, आई डोंट नो क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो कहीं से भी फास्ट वाला नहीं आ रही ना चीज़ आपकी। यदि आप फास्ट बोल रहे हो तो आप उस लेवल का परफॉर्मेंस भी दोगे ना, बट वैसा नहीं है सीन। तो यहाँ पे क्लियर जो विनर है परफॉर्मेंस में, हमारा लावा देसी माल आ रहा है। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, 10 तारीख को सैमसंग की ये सेल आने वाली है, तो ये आप डिसाइड करो कि आपको लावा खरीदना है या सैमसंग खरीदना है। ठीक है, देसी प्रोडक्ट खरीदोगे, और जो सबसे बड़ी बात है, जो लावा दे रहा है डोर स्टेप सर्विस सेंटर दे रहा है, किसी भी ब्रांड में, कोई भी ब्रांड, सैमसंग हो, कोई भी चाइनीज हो, कोई भी आपको नहीं देता डोर स्टेप सर्विस, बट लावा दे रहा है तो अप्रिसिएट बनता है करना। क्या बात है सर, ये बात है। तो इसलिए प्लीज मैं जहां तक चाहूंगा कि आप अपने स्वदेशी को अपनाएं, नेक्स्ट को यूज करें, ठीक है, लावा ब्लेज नेक्स्ट इसमें क्लियर विनर बनता है। कैमरे में भी देख लो आप, उसमें परफॉर्मेंस में भी देख सकते हो, तो बेस्ट है। सेल आ रही है, क्या लेना है ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाय द वे, यदि आपको कुछ और एक पॉइंट मैंने कुछ मिस किया हो तो ज़रूर वो चीज़ बताना, और मुझे ये बताना कि क्यों हमें स्वदेशी जो हमें अच्छा चीज़ दे रहा है उसको ना चूज़ करके सैमसंग चाइनीज़ ये यूज़ करें। हाँ, यदि सैमसंग की जगह, यदि
इंडियन ब्रांड की जगह कोई चाइनीज ब्रांड होता और सैमसंग से कंपैरिजन होता और ऐसा कुछ होता तो मैं डेफिनेटली सैमसंग को सपोर्ट करता, नो डाउट। बट यहाँ पे मैं स्वदेशी को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो होप सो आप भी करोगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। जो सोच रहे हैं सैमसंग का बजट सेगमेंट, दोनों का प्राइस बताना मैं भूल गया, प्राइस बता देता हूँ। लावा का है 9200 का और सैमसंग का है 9500, 300 का, फिर भी उससे ज़्यादा महंगा है और उससे कम परफॉर्मेंस के साथ है। तो बेटर क्या है, इतने तो एजुकेटेड हो, इतना आपको पता है, ठीक है। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें स्वदेशी को, आगे बढ़ने की मौका दें हमें। जितना आगे हम बढ़ सकेंगे उतना बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम देश के लिए, स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, ऐसे ही लाता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करें। बहुत दूर जाना है, बहुत दूर तक जाना है, तो प्लीज़ सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, आप लोग प्रेरणा हो मेरी, ठीक है। तो यही की वीडियो, आज की वीडियो इतनी ही। जय हिंद, जय श्री राम।